खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज, मैं आपके साथ दीपक। बापरोला में स्थित चौधरी कन्हैयालाल मेमोरियल फाउंडेशन में भगत हॉस्पिटल के बैनर तले फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग जांच के लिए पहुंचे। जरा देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़, आपके साथ मैं हूं प्रवीण। और आज हम पहुंचे हैं बापरोला गांव में स्थित चौधरी कन्हैयालाल मेमोरियल फाउंडेशन में, जहां भगत हॉस्पिटल की तरफ से एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है। यहां तमाम तरह की जांचें हो रही हैं, तमाम लोग यहां पहुँच रहे हैं। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ नज़ारा है अंदर का और क्या कुछ जाँचें यहाँ डॉक्टर्स कर रहे हैं। चौधरी कन्हैयालाल मेमोरियल फाउंडेशन, जहां दिव्यांग बच्चों का लालन पोषण बिना किसी सरकारी अनुदान के किया जाता है, जहां स्पेशल एजुकेशन, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आदि के जरिए बच्चों का इलाज किया जाता है, जहां बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है, संस्था में भगत हॉस्पिटल की मदद से एक मुफ्त जाँच कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें अनुभवी डॉक्टर्स ने मरीजों की जाँच की। चौधरी कन्हैयालाल मेमोरियल फाउंडेशन के फाउंडर व डायरेक्टर डॉक्टर अशोक नेहरा ने क्या कहा, जरा सुनिए। क्या है कि ये दो बार हमारा जब से ओपन किया हमने अपना एनजीओ, सेकंड टाइम हमने एक लगवाया है और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इस एरिया में बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जब हम आते हैं तो बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं सर, दोबारा कैंप होना चाहिए, हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है और हमारी जो कोलेस्ट्रॉल है, ईसीजी है, जो भी जाँच है जो नॉर्मल वो नहीं करा पाते, थोड़ा आ जाते हैं आलस में कि हमें चलो चल रहा है काम हमारा है सही, बट फिर भी जब हमारे यहाँ हमने वो फैसिलिटी यहाँ पे दी है तो जिनको ज़रूरत नहीं भी होती वो भी कराते हैं और बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे। बता दें, इस संस्था के संचालन की जिम्मेदारी हिमांती शर्मा के पास है, सुनिए इस मौके पर उनका क्या कहना है। सर, पहले तो ये गाँव है, सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे आसपास में कुछ है छोटे मोटे डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे भाई चार्जेस वगैरह उनके ज़्यादा होते हैं और फिर हमारा एनजीओ है चौधरी कन्हैयालाल, तो मैंने सोचा यहाँ पे हम ऐसा सोशल वर्क तो कर ही रहे हैं बच्चों के लिए, तो फिर हमने कहा सबके लिए हम कराते हैं यहाँ पे चेकअप वगैरह, कराते हैं डॉक्टर्स की टीम बुला करके, तो सब लोग अपने मिल के काम कर रहे हैं। कैंप के दौरान बच्चों ने तमाम सांस्कृतिक डांस प्रस्तुत किए। डॉक्टर अशोक नेहरा और हिमांती ने कैंप के दौरान गरीब लोगों में कम्बलों का वितरण भी किया, ताकि इस कड़कती ठंड में उनकी तकलीफों को कम किया जा सके। भगत हॉस्पिटल के इस कैंप में ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी व आंखों की जांच मुफ्त में की गई, जिसकी रिपोर्ट साथ के साथ दे दी गई। बता दें, बापरोला का ये एरिया ग्रामीण क्षेत्रों में आता है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद करेंगे भगत हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और कैंप में पहुंचे लोगों से खास बातचीत। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे संवाददाता प्रवीण ने भगत हॉस्पिटल के डॉक्टर और कैंप में पहुंचे तमाम लोगों से बातचीत की, जरा देखिए। चौधरी कन्हैयालाल मेमोरियल फाउंडेशन के प्रांगण में लगे इस हेल्थ चेकअप कैंप में सैकड़ों की संख्या में लोग जांच के लिए पहुंचे, जिनका चेकअप भगत हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बड़ी शिद्दत के साथ किया। आज सर हम बापरोला गांव में हैं, दूसरा कैंप है यहां पे, और यहां के लोगों को पता नहीं था कि शुगर हमको है या नहीं है। आज मैंने देखा है, जब उनको बताया तो बहुत अच्छा लगा उनको और आगे भी वो चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरह के कैंप लगते रहे। सर, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर अशोक नेहरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, साथ में हिमांती मैडम को धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो उन्होंने ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए एक मेहनत करके एक ये इंस्टीट्यूट तैयार किया है, एक स्कूल तैयार किया है, क्योंकि ऐसे बच्चों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। और इसका लगाने का हमारा मेन मोटिव यही है कि ये एक तो हम देख सकते हैं एरिया, हम विलेज है, और जो लोग मतलब नहीं जा पाते दूर तक, जो हॉस्पिटल जितने दूर है, तो यहाँ पे एक्चुअली हम देख सकते हैं कि किसी को शुगर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, बहुत लोग हैं यहाँ पे और नहीं जा पाते, मेन बूढ़े लोग जो है। और हमने सर्वे किया तो पता चला सच में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो फिर हमने, हमारी टीम ने, नेहरा सर ने, हमारी मानती मैम ने प्लान किया कुछ अहम ऐसा करते हैं जिससे कि इन लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाए। देखिए, यहाँ तो 150 से 200 पेशेंट का टारगेट पिछले बार भी हुआ था और इस बार भी होगा। हमने यहाँ जाँच के लिए पहुँचे कुछ लोगों से बातचीत भी की, जरा सुनिए।
नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे तो कोई एनजीओ था नहीं, हमारे बच्चे बहुत परेशान थे, पढ़ लिख नहीं पा रहे थे, हमने बहुत कोशिश की पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ पा रहे थे, तो यहाँ पता चला कि ऐसे ऐसे खुला हुआ कॉलेज, तो हम लेके आए बच्चे, बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी कुछ सीख रहे हैं सर यहाँ से। सर ऐसे बच्चों के लिए तो वैसे भी लोगों को भी हेल्प करनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो उस काम के लिए आकर के खुद भी आगे बढ़े। बता दें चौधरी कन्हैयालाल मेमोरियल फाउंडेशन न सिर्फ गरीबों के लिए अक्सर हेल्थ कैंप का आयोजन करती है बल्कि गरीबों के उत्थान के लिए समाज के अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय रहता है, जिसमें दिव्यांग बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों की सोशल थेरेपी, गरीबों की सहायता आदि शामिल है। तो आपने देखा कि किस तरह से बापरोला गाँव में स्थित चौधरी कन्हैयालाल मेमोरियल फाउंडेशन में भगत हॉस्पिटल की टीम ने एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया, जहां ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी और आंखों की मुफ्त में जांचें की गई। हमने यहां एनजीओ के फाउंडर व डायरेक्टर डॉक्टर अशोक नेहरा से भी बात की, उन्होंने कहा कि यहां कैंप लगाना वाकई लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और इसी तरह से वो आगे भी कैंप्स लगवाते रहेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। चौधरी कन्हैयालाल मेमोरियल फाउंडेशन ऐसे समाज के लिए एक मिसाल है जहां गरीबों और पिछड़े तबकों का शोषण होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।